अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो कैसे हो आप सब? आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके इजीली पर मंथ 20,000 से 40,000 रुपए कमा सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। एंड सबसे मेन बात इसमें ये है कि आप जिस भी डेट को ये वीडियो देख रहे हो तो इसी डेट को आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अनलिमिटेड वर्क होगा, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। एंड ये सबसे ईजी वर्क है, आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। आप अपने मोबाइल फोन से इस काम को कर सकते हो। आपने जस्ट एक दफा इस वीडियो पर ट्रस्ट करके इसको कंप्लीट देखना है, 100% गारंटी के साथ आपको अर्निंग होगी। नाउ यहां पर देखें, लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं fiverr.com पर, freelancer.com पर, और इस तरह का upwork.com है, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आपको काम मिलता है। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आप काम मिलता ही नहीं है और लाखों करोड़ों लोग इसके पीछे हैं ये सोचकर कि हमें यहां से अर्निंग हो जाएगी। बट यहां पर कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि किसी को यहां पर काम मिलता ही नहीं है, इसीलिए आपने जो है इनको बिल्कुल स्किप करना है। और इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूं, इस काम को करके आप यहां से इजीली पर मंथ 20,000 से 40,000 और इससे भी ज्यादा आप कमा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको कुछ अर्निंग प्रूफ्स देता हूं, उसके बाद ये काम क्या है, कैसे आपको करना है, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, इसलिए ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो अभी आप इस वीडियो को स्किप कर लो, और जब आपके पास टाइम होगा तो तब आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। ओके, सो यहां पर वेबसाइट मैं आपको बता देता हूं जहां पर आप काम करोगे, आपके पास अनलिमिटेड वर्क होगा। उस वेबसाइट का नाम है picuworkers.com। यहां पर आपको छोटे छोटे टास्क मिलते हैं, वो टास्क कंप्लीट करके आप यहां पर लाखों में अर्निंग कर सकते हो। और ये आपको कैसे करना है मैं आपको यहां पर कंप्लीट बताऊंगा। ओके, सो यहां पर ये मैंने एक वर्कर का अकाउंट ओपन किया है, इस तरह का यहां पर भी आपको एक वर्कर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और जो वर्क आप fiverr.com freelancer.com पे करते हो वही काम आपको यहां पे मिलेगा, इसको आप डाटा एंट्री भी कह सकते हैं। ओके, सो यहां पर ये एक वर्कर का मैंने अकाउंट ओपन किया है, मैं आपको कुछ और भी यहां पे दिखाऊंगा। और मैं यहां पे खुद भी वर्कर्स को काम प्रोवाइड करता हूं, 2018 से मैं इसको यूज कर रहा हूं। और यहां पे जो आप जैसे यहां पर आप वर्कर का अकाउंट क्रिएट करोगे, वैसे यहां पे जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको मैं भी यहां पे काम प्रोवाइड करता हूं और अपना जो काम है मैं इनसे कराता हूं। ओके, सो यहां पे ये एक वर्कर है और इसकी जो अर्निंग है वो आप देख सकते हैं कि $6,000 इसने अर्निंग की है। अब अगर इस अर्निंग को मैं कन्वर्ट करता हूं PKR में, ठीक है, आप अपने हिसाब से जिस भी कंट्री से हो आप तो उसी कंट्री के हिसाब से आपने यहां पे गूगल में सर्च कर लेना है। जैसे मैं करूंगा USD to PKR और इस अमाउंट को मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूं। इस तरह की मैं कुछ और वर्कर्स जिन्होंने मेरा काम कंप्लीट किया है मैं उनकी अर्निंग भी आपको दिखाऊंगा। ओके, सो यहां पर आप इसकी अर्निंग जो है वो देख सकते हैं, 12 लाख 13 लाख, आप कह सकते हैं कि 13 लाख जो है यहां पर इसने अर्निंग की है PKR में इस वेबसाइट से, ठीक है। नाउ यहां पर मैं अपने अकाउंट पे आ जाता हूं और जो मेरे वर्कर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए यहां पे काम किया हुआ है उन्होंने कितनी अर्निंग यहां पे की है। ओके, सो यहां पर ये मैंने एक जॉब प्रोवाइड किया है वर्कर्स को जिसके लिए मैं उनको दे रहा हूं अगर ये इस जॉब को कंप्लीट करते हैं, यानी कि अगर आप में से भी कोई इस जॉब को कंप्लीट करता है तो उसको मैं यहां पे देता हूं $0.03। और यहां पे इस जॉब की डिटेल्स पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूं कि कितने लोगों ने इसको कंप्लीट किया है और किस किस ने कंप्लीट किया है। तो उसके लिए यहां पर जो सबमिटेड टास्क होते हैं मैं उस पर क्लिक करता हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे मेरे पास ये एक यूजर है चार्ली, जो कि बांग्लादेश से हैं आप देख सकते हैं। और इसका अकाउंट यहां पे मैं ओपन करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं इसने अब तक 13,000 टास्क कंप्लीट की हैं, 13,000, और उससे जो इसने अर्निंग की है वो है $531। तो अब इसको भी मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूं, और अगर आप चाहो तो इस वेबसाइट से आप इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। अगर आपके घर में 2 से 3 मोबाइल फोन है तो आप इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। आप चाहो तो आप डेली यहां से $20 से $30 भी अर्न कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा और आपके पास कम से कम 2 से 3 मोबाइल फोन होनी चाहिए। तो ये अर्निंग भी आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह का। मैं कुछ और भी यहां पे मेरे वर्कर्स है जिन्होंने मेरा काम यहां पे कंप्लीट किया है मैं उनकी अर्निंग आपको दिखा देता हूं। ये एक पाकिस्तान से मेरे पास एक वर्कर है तो मैं इसका यहां पे आपको दिखा देता हूं, और इसकी अर्निंग भी जरा आप यहां पर चेक करें,
इसने 14,000 टास्क कंप्लीट की हैं और जो अर्निंग है वो $583 है। तो इस तरह के यहाँ पर आपके पास जो इस वेबसाइट पर इंडिया में भी लोग काम कर रहे हैं, इंडिया से लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर आपको काम कैसे करना है, क्या काम है, कैसे करना है, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आती और फिर उनको अर्निंग नहीं हो पाती, वो फिर कमेंट करते हैं कि भाई हमारी अर्निंग नहीं हुई। तो रीज़न सिर्फ एक ही होता है, उन्होंने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी होती। तो अब मैं आपको सबसे पहले अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपल इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक ओपन आपने सिंपल उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक लॉगिन और एक साइन अप का, ठीक है। आपको यहाँ पर साइन अप करना है और साइन अप आपको करना है एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। आपको यहाँ पे फ्रीलांसिंग करनी है, तो जैसे आप साइन अप पर क्लिक कर लोगे तो साइन अप पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना रियल नेम देना है, जो भी आपका रियल नेम है, उसके बाद ईमेल देना है, ईमेल के बाद पासवर्ड, और पासवर्ड को आपने यहाँ पर कन्फर्म करना है। उसके बाद आपने अपना निक नेम देना है और जो भी आपकी कंट्री है वो कंट्री आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अच्छा, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे मेन काम आपको करना है, यहाँ पर आपने आई एम अ वर्कर पे क्लिक करना है। आप अगर आई एम अ एम्प्लॉयर पे क्लिक करोगे तो इससे आपको मतलब बाद में भी आप स्विच कर सकते हैं, बट आपने यहाँ पे आई एम अ वर्कर करना है। उसके बाद आपने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपने यहाँ पे एग्री करना है, और जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक कर लोगे तो आई थिंक आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल पर, आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई के बाद आपका अकाउंट यहां पे हो जाता है क्रिएट। अच्छा, जब आपका अकाउंट यहां पे क्रिएट हो जाएगा तो आपने सिंपल अपने अकाउंट को यहां पे करना है लॉगिन। जब आप यहां पर अकाउंट को लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होगा, लेकिन यहां पर मैं काम कर रहा हूं एज अ एम्प्लॉयर, यहां पे मैं जॉब्स प्रोवाइड करता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे मेरा शो कर रहा है कि आप स्विच कर सकते हैं वर्कर अकाउंट में, जहां पर आप अर्निंग करोगे। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पास कुछ डॉलर पड़े भी हुए हैं जिससे मैं यहां पर लोगों को काम देता हूं। अभी भी मेरे पास $6.6 पड़े हैं और अब तक मैं यहां पर $816 प्लस की जो अमाउंट है वो वर्कर्स को दे चुका हूं और अपना काम उनसे करा चुका हूं। अब यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको स्विच करता हूं वर्कर अकाउंट में, तो आप देख सकते हैं यहां पे इन्होंने शो कर दिया कि आपने डन कर दिया। अब यहां पे ये मेरा वर्कर अकाउंट है और मेरे पास जो अर्निंग है वो है $0.48 में। यहां पर अब आपको जो है बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे, जैसे अगर आपने फ्रीलांसर को यूज किया है, freelancer.com या upwork.com को अगर आपने यूज किया है तो वहां पर आपको जॉब्स मिलते हैं। सो वैसे यहां पर भी आपको जॉब्स मिलते हैं, बट ये जो जॉब्स है या आप विद इन 2-3 मिनट कंप्लीट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मिनट लगेंगे। नाउ यहां पे मेरे पास सबसे पहले जो यहां पे एक काम है, एक जॉब है, उसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको मिलेंगे कितने $0.145 आपको मिलेंगे। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जॉब ओपन हो जाता है और यहाँ पर इस बंदे ने आपको बताया होता है कि आपको क्या करना है। तो इस भाई ने यहाँ पे बताया है कि आपको इस ऐप के ना, ये एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फ़ोन में, एंड देन उसके बाद जो है आपको उस पर एक अकाउंट क्रिएट करना है, एक वॉलेट आपको क्रिएट करना है। कोई आपको यहाँ पे जो है नेम नहीं देना, ना ही मोबाइल नंबर देना है, ना ही ईमेल देना है। जस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और उसमें अपना एक वॉलेट क्रिएट कर लो। जैसे आप क्रिएट कर लोगे तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखें, स्क्रीनशॉट ऑफ द ऐप आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट वॉलेट, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और वो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके वो स्क्रीनशॉट आपने इनको दे देना है। और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आप कुछ कमेंट भी इनको कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि मैंने कंप्लीट कर दिया, या आप अगर नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी। आपने मेन इनको स्क्रीनशॉट सेंड करके आपने सिंपल सबमिट प्रूफ पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो काम है यहाँ पे हो जाएगा और विद इन 5 मिनट आपकी जो अर्निंग है वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगी, यहाँ पर जैसे ये मेरे पास शो कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे इन्होंने कुछ लिंक दिया हुआ है कि ऐप का जो लोगो है वो किस तरह का है, तो मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ, इसमें मैं देख पाऊंगा कि ये किस तरह का ऐप है। तो आप देखें ये ऐप का लोगो है, आपको अब पता चल चुकी है कि ये किस टाइप का ऐप है। आपने सिंपल इस नेम को सर्च करना है, ये जो आपको नेम नज़र आ रहा है इस नेम को आपने गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना है और इस ऐप को इंस्टॉल करके आपने एक वॉलेट क्रिएट करना है। वॉलेट जैसे आपका क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं, जब आपका वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो स्क्रीनशॉट आपने इनको यहाँ पे चूज अ फाइल पर क्लिक करके प्रोवाइड कर देना है। आपका काम यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। नाउ इस तरह के कुछ और यहाँ पे जो आपको ऑफर्स मिलते हैं, आपने इसको सही तरीके से समझ लेना है वरना आपको अर्निंग नहीं होगी। नाउ इस ऑर्डर को अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो मुझे $0.04 मिलेंगे, और इसमें मुझे करना क्या है, सिंपल आप इसको के ऊपर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद देखिए, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ,
तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपको करना क्या है। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि सबसे पहले अपने ब्राउज़र की जो कोकीज़ है उसको आप क्लियर कर दे, बट ये अगर आप नहीं करना चाहे तो ना ही, आपकी मर्ज़ी है। आपने सिंपल जो है प्राइवेट ब्राउज़र को यूज़ करना है। ये आपका प्राइवेट ब्राउज़र होता है, मोबाइल फ़ोन में भी होता है और आपके डेस्कटॉप में भी होता है, तो आपने इसके अंदर काम करना है। इसने बताया हुआ है कि आपने इसको ओपन करना है और ये ओपन करने के बाद इसने ये लिंक दिया हुआ है कि भाई इस लिंक को जो है आपने इस पर विज़िट करना है और इस पर विज़िट करके आपने जो है 10 आर्टिकल को विज़िट करना है। ठीक है, जैसे ये देखिए मैं आपको समझा देता हूं और एक दफा जब आप समझ जाओगे तो आपको दोबारा फिर यहां पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इन्होंने यहां पर एक दिया हुआ है अपना एक वेबसाइट, ठीक है, आई थिंक वेबसाइट है, और इसमें जो है हम क्लिक करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। पहले हमें इसको रीड करना पड़ेगा, तो हमको विजिट करना है 10 डिफरेंट पोस्ट को और वेबसाइट को आपने स्क्रॉल डाउन करना है आर्टिकल को, और 3 मिनट का टाइम जो है आपको आपके पास है, 3 मिनट तक में आपने जो है 10 आर्टिकल को विजिट करना है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है दोबारा यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक को मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ। ठीक है, तो आपको लिंक यहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पे जो लिंक दिए होते हैं वो काम नहीं करते, जैसे ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और कोई और जॉब यहाँ पे ओपन करके मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जॉब्स होते हैं, मैं सभी का आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो फिर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कुछ जॉब्स ऐसे भी होते हैं जो स्टॉप हुए होते हैं, जैसे मेरा जॉब यहाँ पे स्टॉप है। तो अब यहाँ पे देखें, इन्होंने भी सेम बताया हुआ कि प्राइवेट जो आपका विंडो है उसमें आपने जो है इस वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, ये देखें गो टू, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको जो है 6 पोस्ट आपको विजिट करने हैं और हर एक पोस्ट में जो है आपको 1 मिनट तक जो है आपको वेट करना है। ठीक है, आई थिंक इनका यही कहना है। ठीक है, स्पेंड आपको 3 मिनट जो है उनको उनके साइट पर आपको जो है वो स्पेंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वेबसाइट मैंने इनका विजिट किया और एक आर्टिकल मैंने पहले से विजिट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे 4 आर्टिकल और विजिट करने हैं, तो ये देखें एक इस आर्टिकल को मैं विजिट करता हूँ और टोटल ये मुझे 3 मिनट यहाँ पर स्पेंड करने हैं। 3 से ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करने, आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने 3 आर्टिकल विजिट करने हैं, ये आपके आर्टिकल होते हैं, पोस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपके पोस्ट है, आर्टिकल है। तो या आप यहाँ पर जैसे इनके नेम पर क्लिक कर लोगे तो आपका जो होम पेज है यहाँ पे ओपन हो जाता है और ये इनके आर्टिकल है यहाँ पर। तो इस तरह के आर्टिकल आपको यहाँ पे विजिट करने हैं। ठीक है, और 3 मिनट जो है आपको जो है यहाँ पे स्पेंड करना है, 3 मिनट टोटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है भाई आपको टैब जो है मल्टीपल टैब्स में आपको ओपन नहीं करना और लास्ट में जो है इनको प्रूफ आपको देना है। तो प्रूफ के अंदर जो है आपको यहाँ पे जो भी आपने आर्टिकल पब्लिश की है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि थर्ड पेज के अंदर जो आपने विजिट किया था जो है आपने URL यहाँ पे देने हैं। तो आपने जो है थर्ड पेज का URL देना है, जो भी आपने थर्ड पेज विजिट किया है उसका URL यहाँ पर आपको दे देना है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि लास्ट सेंटेंस आपको 2 आर्टिकल्स का देना है। ठीक है, तो लास्ट सेंटेंस आपका कौन सा होता है, जैसे कि ये एक मैंने आर्टिकल विजिट किया है तो इसके अंदर जो है यहाँ पर आपके लास्ट सेंटेंस होते हैं। ये देखिए ये कोड इन्होंने दिया हुआ है, तो ये कोड आपने सिंपल कॉपी किया है, कॉपी करना है। ठीक है, और कॉपी करने के बाद ये कोड आपने इनको प्रोवाइड कर देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने इस कोड को प्रोवाइड कर देना है, ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है। इस तरह के हर एक आर्टिकल में यहाँ पे इन्होंने कोड दिया होता है और ये इसीलिए दिया होता है ताकि ये आपका पता लगा सके कि आपने विजिट किया है या फिर नहीं। और ये भी एक कोड है, यहाँ पर आप देखें ये भी एक कोड है। तो इनका कहना है कि भाई आपने जो है वो कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर देने हैं इनको, इन्होंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपने जो है ये कोड इनको दे देने हैं, 2 आर्टिकल के कोड आपने यहाँ पे दे देने हैं। जैसे ये मैंने 2 विजिट किए हैं तो ये कोड आपको 2 देने हैं और उसके बाद जो है URL आपको देना है थर्ड पेज का जो भी आपने विजिट किया हुआ है। तो जो भी आपने 3रा आर्टिकल विजिट किया है तो उसका लिंक आप सिंपल कॉपी कर लो, ये लिंक होता है, और ये कॉपी करने के बाद इनको यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको कोड कंफर्म करना है, यू विल फाइंड इन द आर्टिकल 7 पेजेस टू लर्न लैंग्वेज। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ये एक आर्टिकल इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल का टाइटल है और इसका इसके अंदर जो कोड है वो आपको देना है। ठीक है, तो वो जो है आपको यहाँ पे ये आर्टिकल देखना है कि आर्टिकल कहाँ पे है। इन्होंने यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है 7 पेजेस टू लर्न लैंग्वेज। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे होगा, आपने यहाँ पे देख लेना है, उसको आपने फाइंड आउट कर लेना है जो भी वो आर्टिकल है। या आप यहाँ पर सिंपल उसका ये जो लिंक दिया हुआ है, इन्होंने कीवर्ड दिया हुआ है, इस कीवर्ड को आप यहाँ पे सर्च कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे इन्होंने क्लिक को ऑफ किया हुआ है, ठीक है, इसको इस तरीके से आपने अपने मोबाइल फ़ोन से कर लेना है और सबमिट प्रूफ पे क्लिक करके आप कर लोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कुछ और यहाँ पे देख लेता हूँ, या यहाँ पर आपको रेडिट्स के क्लिक्स मिल जाएंगे, यानी आपको लाइक्स देने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास कैटेगरीज है, कैटेगरीज के अंदर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डिस्कॉर्ड का, यहाँ पर है आपके पास टेलीग्राम का है, और फेसबुक का हो गया, ट्विटर का, यहाँ पर मैं रेडिट का करता हूँ जो कि सबसे ईजी वर्क होता है। तो आपको एक रेडिट का अकाउंट चाहिए यहाँ पर, ठीक है, आपने एक रेडिट का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और रेडिट का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर जितने भी ये रेडिट्स के यहाँ पे जॉब्स आपको मिलते हैं $0.03 आपको मिलेंगे, आपने आप यहाँ पे क्या करने के पोस्ट को आपने लाइक करना है। तो ये जो जॉब है या अवेलेबल नहीं है, मैं फिर से बेक जाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं किसी और को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि भाई इन्होंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है कि इस लिंक पे आपको जाना है, ठीक है। तो इस लिंक पर मैं विजिट करता हूँ और आपको जो है अपना यूज़र नेम जो है लॉगिन इफ़ यू रिक्वायर्ड, तो आपको अपना यूज़र नेम भी दे देना है। यहाँ पर आपने जो है अपना रेडिट का जो यूज़र नेम है वो दे देना है। रेडिट का जो यूज़र नेम होता है आपका, वो आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपने सिंपल अपने अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम है आपको मिल जाएगा। कुल मिला के जो बात होती है, यहाँ पर आपके जितने भी जॉब्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे होते हैं कि आपको ये जॉब कैसे कंप्लीट करना है, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे आपको ये करना है और कैसे आपको प्रूफ सबमिट करना है, कम्प्लीटली इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके जितने भी यहाँ पे जॉब्स होते हैं वो सभी जॉब्स यहाँ पर आपको बताए जाते हैं कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे आपको ये कंप्लीट करना है। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती तो आपने सिंपल इसको कॉपी करके गूगल में आपने इसको ट्रांसलेट करना है, तो आप समझ जाओगे कि इनके कहने का मतलब क्या है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट कैसे लेना है और यहाँ पे बाकी भी यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स आपको मिल जाएंगी, इन जॉब्स को आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे साइनअप्स आपको करने पड़ते हैं, जैसे इसमें आपको $1.20 मिलेंगे। तो इसको आपने कैसे करना है, इसमें आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई आपको साइनअप करना है। कैसे करना है ये देखिए, इस लिंक पर आपको जाना है, ठीक है, इस वेबसाइट पर, स्टार क्लिक्स के नाम से एक वेबसाइट है, और इस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। कैसे क्रिएट करना है, ये इनकी रेफरल आईडी है, तो इस कोड को आपने यूज़ कर लेना है, यानी कि इसकी जो रेफरल आईडी है ये आपको यूज़ कर लेनी है जब आप साइनअप करोगे। तो भाई कैसे करना है, आपको सिंपल साइनअप पर क्लिक करना है। साइनअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो एज अ पब्लिशर अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पर इन्होंने बताया भी है। और यहाँ पर जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने प्रूफ के अंदर क्या करना है कि फुल नेम आपको इनको दे देना है, जो भी आपने नेम यूज़ किया है साइनअप करते वक्त, तो वो नेम आपको दे देना है। जैसे यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना फुल नेम, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ नवीद अली, और लास्ट नेम के अंदर जो है मैं यहाँ पर अपना फुल नेम जो है वो कम्प्लीट कर लेता हूँ। नवीद अली शाह मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो अब ओके, तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम दे देना है और यही जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पर एज अ प्रूफ देना है जब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और जो आपकी रेफरल कोड है वो आपको यहाँ पे दे देना है, यहाँ पर आपको रेफरल कोड मिल जाएगा। ये देखे ये कोड आपको यहाँ से कॉपी करके जो है आपको दे देना है यहाँ से, ठीक है, ये आपको इनको दे देना है और उसके बाद जो है आपका टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ बात करते हैं पेमेंट की, यहाँ से भाई आप पेमेंट कैसे लोगे। तो विड्रा का जो यहाँ पे सिस्टम है, आपकी जो विड्रा है वो विदिन 10 डेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको सिंपल रिक्वेस्ट विड्रॉल पर क्लिक करना पड़ता है और जैसे ही आपके पास $5 हो जाएंगे तो आपकी जो अमाउंट है वो आप पाकिस्तान, इंडिया, जिस भी कंट्री से हो, तो आप यहाँ पे HERE.TM को यूज़ कर सकते हो। HERE.TM एक एक्सचेंज है, तो इसके अंदर जब आपकी अमाउंट आ जाएगी तो आप जैस कैश, ईजी पैसा, पेयोनियर और PTM में आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्रिप्टो में आप ले सकते हैं, बिटकॉइन में ले सकते हैं, पेपाल में ले सकते हैं, स्क्रीन में ले सकते हैं, और अप होल्ड का भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। और आपकी जो पेमेंट है वो विद इन 10 डेज आपको रिसीव हो जाते हैं, बट नॉर्मली आपको 24 घंटों के अंदर रिसीव हो जाएंगे। तो ये एक ईजी काम है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑफर्स भी मिलते हैं, सर्वेज भी मिलते हैं, और ये जो आपके जॉब्स है जो यहाँ पर जिसके अंदर भी लिखा होता है कि टॉप SEO प्रमोट कंटेंट, तो उसका यही सिस्टम होता है कि आपको वेबसाइट विजिट करना है, वेबसाइट के अंदर आपको कुछ आर्टिकल विजिट करने, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपको इस आर्टिकल पर जाना है, पोस्ट को आपने रीड करना है, और कितने पोस्ट आपको विजिट करने हैं, 10 पोस्ट आपको विजिट करना है, 3 सेकंड आपको हर एक पेज के अंदर विजिट कर वेट करना है, जो कि कोई भी नहीं करता, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो, और टोटल आपको 3 मिनट का टाइम जो है वो चाहिए होगा। और इसी हिसाब से जो है यहां पर इनको प्रूफ आपको क्या देना है, लास्ट पैराग्राफ का जो है आपको 10th विजिट पोस्ट जो है, जो आपने 10वां पेज विजिट किया है उसका लास्ट पैराग्राफ जो है आपको कॉपी करके इनको पेस्ट कर देना है। तो ये
जो है इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ आपने विजिट किया हुआ है। इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ गिव टू यू आर एल ऑफ द वेबसाइट यू विजिटेड इन स्टेप 5। तो स्टेप 5 के अंदर जो आपने दो आर्टिकल विजिट किए हैं उसका यू आर एल जो है आपको इनको दे देना है। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बट आप इसी तरीके से समझ जाओगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टॉप वर्कर्स के अंदर जो है जो रैंकिंग अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हैं ये लोगों की अर्निंग है जो यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश से भी लोग हैं, पाकिस्तान के भी लोग, आप देख सकते हैं कि $2,000 इसने अर्निंग की है। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको कोई समझ नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा, आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको करना है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।